चलिए इसके साथ एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, पराली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का वार देखने को मिला है। पराली के मुद्दे पर हरियाणा सरकार फेल, ये बात कही अनुराग ढांडा ने। पराली के लिए जो योजना बनी जमीन पर लागू नहीं है, मशीनें उपलब्ध कराने में सरकार फेल। तो हरियाणा सरकार को पराली के मुद्दे पर एक बार फिर से कटघरे में ऐलान खड़ा किया। पराली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा का वार, पराली के मुद्दे पर हरियाणा सरकार फेल है, ये बात अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कही। वो मशीनें जमीन, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी अब स्वीकार भी कर लीजिए कि आपकी सरकार पराली के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो गई है। पराली के निस्तारण के लिए जो भी आपने योजनाएं बनाई वो जमीन पे लागू नहीं हो पाई, वो योजनाएं पूरी तरह से फेल हो गई। आप तो कह रहे थे 5 लाख एकड़ में इस बार घोल का इस्तेमाल करेंगे, किसानों को फ्री में घोल उपलब्ध कराएंगे। कहां है वो घोल? एक भी किसान तक पहुंचा क्या वो घोल? आपने कहा कि 80,000 मशीनें जमीन पे उपलब्ध होंगी, सब्सिडी दे रहे हैं उन मशीनों पर आप, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन मशीनों पर वाकई सब्सिडी मिली, वो मशीनें जमीन पर आई? आप चेक कर लीजिए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया उन मशीनों को सब्सिडी उपलब्ध कराने के नाम पर। लिस्ट मंगा लीजिए तस्दीक करने के लिए जिन जिन मशीनों के नाम पर सब्सिडी दी गई, और ग्राउंड पर चेक करवा लीजिए कि उनमें से कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और कितनी मशीनों के लिए सिर्फ कागज पर चढ़ा करके सब्सिडी दे दी गई। ये एक फ्लॉप योजना थी, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। तीसरी बात, आप कहते हैं कि कोई और हरियाणा के किसानों को दोष दे रहा है। बीजेपी की सरकार, आपकी सरकार हरियाणा के किसानों को दोषी साबित करने में लगी है, जबकि हरियाणा के किसान